अल्लामा इकबाल ने लिखा, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा। लड़का खड़ा हुआ, माइक पर आया, उसने दो पंक्तियां पढ़ी कि इकबाल ने जो छोड़ी राहे वतन परस्ती, गाकर नया तराना सारा जहां हमारा। हमने भी एक लाइन में बात खत्म कर दी, सारा जहां तुम्हारा हिंदोस्तां हमारा। जिस कवि के पास हिंदुस्तान की बुलंद आवाज है, ऐसा कवि सुल्तानपुर से हमारे बीच में आया, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कवि सम्मेलन में लोग दावा नहीं करते, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक ऐसा कवि है कि पीछे तक बैठा हुआ एक भी श्रोता बगैर ताली बजाए रह नहीं पाएगा। जोरदार तालियां बजाकर कुमार भाई चार पंक्तियां स्वागत हाजिर करता हूं, चार पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। कि चमन चमन में फूल हैं जितने, सभी से प्यार करते हैं। चमन में फूल हैं जितने, सभी से प्यार करते हैं। जहां हम गीता रखते हैं वहीं कुरान रखते हैं, जहां हम गीता रखते हैं वहीं कुरान रखते हैं। हमारे सामने आतंक का तुम नाम मत लेना, हमारे सामने आतंक का तुम नाम मत लेना। हम अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल की हर धड़कन। जी चार पंक्तियां और आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। वतन पर आंच जब आए मुझे आगे बढ़ा देना, वतन पर आंच जब आए मुझे आगे बढ़ा देना। यहीं पैदा हुए हैं हम यहीं मुझको सुला देना, यहीं पैदा हुए हैं हम यहीं मुझको सुला देना। मलोते लौते गिर जाऊं जो भारत माँ की गोदी में, मलोते लौते गिर जाऊं जो भारत माँ की गोदी में। वतन वालों कफन मेरा तिरंगे से सजा देना, वतन वालों कफन मेरा तिरंगे से सजा देना। वतन वालों चार पंक्तियां और आप तक पहुंचाता हूं। कि जो मेरे दिल में हसरत है उसे अरमान लिख देना, जो मेरे दिल में हसरत है उसे अरमान लिख देना। मैं भारत माँ का बेटा हूँ यही पहचान लिख देना, मैं भारत माँ का बेटा हूँ यही पहचान लिख देना। वतन के वास्ते अपने अगर मैं काम आ जाऊं, वतन के वास्ते अपने अगर मैं काम आ जाऊं, तो मेरे खून के कतरों से हिंदुस्तान लिख देना, तो मेरे खून के कतरों से हिंदुस्तान लिख देना, तो मेरे खून के कतरों से हिंदुस्तान लिख देना। ये चार पंक्तियां कुमार भाई दादा, ये चार पंक्तियां जो 370 खत्म हुई, तो मैंने 370 से पहले ही ये चार पंक्तियां पढ़ी। ये सुनिए, ये चार पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, सुनेंगे। कहीं पर चीन लिखा है कहीं जापान लिखा है, कहीं पर चीन लिखा है कहीं जापान लिखा है, कहीं अमरीका लिखा है कहीं ईरान लिखा है। जमाने भर में क्या
कश्मीर की धरती पे हिंदुस्तान लिखा है, मगर कश्मीर, मगर कश्मीर की धरती पे हिंदुस्तान लिखा है, मगर कश्मीर की धरती पे हिंदुस्तान लिखा है, मगर कश्मीर की धरती पे हिंदुस्तान लिख। चार पंक्तियां और आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। जहां गंगा है जमुना है उसी तस्वीर वाले हैं, जहाँ गंगा है जमुना है उसी तस्वीर वाले हैं, हमारे खेत और खलियान भी तासीर वाले हैं, हमारे खेत और खलियान भी तासीर वाले हैं, हमारे सामने तुम पाक की तारीफ मत करना, हमारे सामने तुम पाक की तारीफ मत करना, हमारा घर है हिंदुस्तान, हम कश्मीर वाले हैं, हमारा घर है हिंदुस्तान, हम कश्मीर वाले हैं, हमारा घर है हिंदुस्तान, हम कश्मीर वाले हैं, हमारा घर है हिंदुस्तान, हम कश्मीर वाले हैं। मैं एक छोटा सा गीत पढ़कर अब मैं अपनी जगह लेता हूँ कि भारत माता माँ सबकी है, गंगा सबका पानी है, गंगा सबका पानी है, भारत माता मुस्लिम बाद में है हम, पहले हिंदुस्तानी है, पहले हिंदुस्तानी है, हिंदू मुस्लिम बाद में है हम, पहले हिंदुस्तानी है, पहले हिंदुस्तानी है। पंक्तियां निवेदित करता हूँ आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिएगा सुनिएगा साहब, और कवियों से भी मैं तवज्जो चाहता हूँ, सुनिएगा। सरहद पर वीरों से पूछो क्या क्या सहना पड़ता है, चिंता के आकाश के नीचे हर दिन रहना पड़ता है, चिंता के आकाश के नीचे हर दिन रहना पड़ता है, तो सच्चाई की पगडंडी पर लिखी यही कहानी है, हिंदू मुस्लिम बाद में है हम, पहले हिंदुस्तानी है, भारत माता माँ सबकी है, गंगा सबका पानी है, गंगा सबका पानी है। और ये पंक्तियां भी सुनिएगा, आतंकवाद को इस धरती से हमको दूर भगाना है, आतंकवाद को इस धरती से हमको दूर भगाना है, देश की अजमत खतरे में है, सबको साथ निभाना है, देश की अजमत खतरे में है, सबको साथ निभाना है, तो जंगल जंगल बसती बसती ये आवाज लगानी है, हिंदू मुस्लिम बाद में है हम, पहले हिंदुस्तानी है, भारत माता माँ सबकी है, गंगा सबका पानी है, गंगा सबका पानी है। एक पंक्ति और आप तक पहुंचाता हूं, ये सुनिएगा कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी
देते प्यार का परचम है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी देते प्यार का परचम है, ईद दिवाली होली इसके मानवता के मौसम है, ईद दिवाली होली इसके मानवता के मौसम है। तो पंडित जी भी कहते हैं ये कहते यही रहमानी है, हिंदू मुस्लिम हम पहले हिंदुस्तानी है, भारत माता माँ सबकी है, गंगा सबका पानी है, गंगा सबका पानी है। और ये आखिरी पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं, सुनेगा, भारत माता मीरो गालिब एक जहती का हिंद को दर्पण कहते थे, सूर कबीर भी इस धरती को प्यार का गुलशन कहते थे, सूर कबीर भी इस धरती को प्यार का गुलशन कहते थे। तो शायर का उपदेश यही है, कवियों की यह वाणी है, हिंदू मुस्लिम बाद में हम पहले हिंदुस्तानी है, भारत माता माँ सबकी है, गंगा सबका पानी है, गंगा सबका पानी है। आखिरी पंद आपको सुनाता हूं, प्यार भरा है लहजा इसका, प्यार भरा पैगाम है, प्यार भरा है लहजा इसका, प्यार भरा पैगाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे दुआ सलाम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे दुआ सलाम है। तो इस रास्ते पर चलने वाला आलम कितना ज्ञानी है, हिंदू मुस्लिम बाद में हम पहले हिंदुस्तानी है, भारत माता माँ सब